चलिए बच्चों, कल हमने और एक्सरसाइज 6.5 के और क्वेश्चन नंबर हमने 8 तक आपको बताया। आज बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 बताना है, और ऐसे क्वेश्चन यदि एग्जाम में आते हैं तो बेहद ही आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चों? प्रश्न जरूर बड़ा आपको देखने को मिल जाएगा, पर यदि प्रश्न को समझेंगे तो वास्तव में उसका सलूशन एकदम छोटा ही है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है क्या? देखिए बच्चों, कह रहा 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। सुने बच्चों, क्या दी गई बच्चों? सीढ़ी की लंबाई कितनी दी गई है? प्रश्न के अनुसार समझे बच्चों, बात करिए। प्रश्न अनुसार सीढ़ी की लंबाई कितनी दी गई है? 10 मीटर सीढ़ी की लंबाई। तो बच्चे हमने सीढ़ी मान लेते हैं इस प्रकार। अब सीढ़ी बच्चों होगी तो कहाँ सीढ़ी लगाएंगे? दीवार पर लगाएंगे। अगर आपने बांस वाली सीढ़ी देखी हुई गाँव में तो दीवार पर टिकाई लगाते हैं। तो सपोज ये हमारा दीवार है, क्या बच्चों? ये अपनी दीवार है, और ये दीवार पर क्या बच्चों? ये सीढ़ी लगाई गई है। तो सीढ़ी की लंबाई कितनी दी गई है? सीढ़ी की लंबाई गई बच्चों 10 मीटर। ये आपको 10 मीटर दी, तो मैंने मान लिया कि ए बी बराबर क्या सीढ़ी है। तो सीढ़ी की लंबाई ए बी बराबर कितना है? 10 मीटर। कितना बच्चों? 10 मीटर। मान लिया कि माना ए बी, मैंने माना कि प्रश्न अनुसार माना सीढ़ी की लंबाई ए बी बराबर 10 मीटर। क्या बोलो बच्चों? दीवार से टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर, दीवार से टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की होगी। तो बच्चों दीवार है, दीवार की खिड़की यहाँ होगी, तो खिड़की तक सीढ़ी पहुंचती है। तो ऊंचाई कितनी है बच्चों? 8 मीटर दी गई है। ये आपको कितना दी गया बच्चों? 8 मीटर। और आपसे क्या कह रहा है बच्चों कि दीवार के आधार से, दीवार का आधार, तो दीवार का आधार आपका क्या है? पॉइंट सी। दीवार के आधार से और सीढ़ी का निचला सिरा ये, तो दीवार के आधार से और सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको दिया क्या गया? सीढ़ी की लंबाई है भी बराबर 10 मीटर दी गई है, और जो जैसे सीढ़ी लगाई गई हो दीवार की कहाँ तक? खिड़की तक जाती है, तो वो आपको लंबाई दी गई है 8 मीटर दी गई है। तो दीवार तो बच्चों आपकी क्या होगी? सीधी होगी, परपेंडिकुलर, टेढ़ी मेढ़ी दीवार थोड़ी होगी। तो त्रिभुज बन जाएगा ऐसा, और संपूर्ण त्रिभुज बन जाएगा। तो आपका एसी बराबर कितना दिया? 8 मीटर। एसी बराबर 8 मीटर। त्रिभुज एबीसी क्या बन गया बच्चों? त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी क्या बन गया? समकोण त्रिभुज है। आपको बच्चों ज्ञात क्या करना है? दीवार के आधार से और सीढ़ी के निचले सिरे तक की दूरी। तो आपको बीसी ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय से ट्रायंगल एबीसी लेंगे बच्चों, और पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं बच्चों? कि कर्ण का स्क्वायर बाकी अन्य दो भुजाओं की वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बीसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर, ठीक है। बीसी अपने को फाइंड करना है, एसी अपने कितना दिया है? 8 का स्क्वायर, एबी कितना दिया? 10। तो 10 का स्क्वायर कितना है बच्चों? 64। 100, 10 का स्क्वायर 100, माइनस कर दिए बच्चों, तो 100 माइनस आपका आ जाएगा 64। कितना आ गया बच्चों? 36। अगर स्क्वायर हटा देंगे बच्चों क्या आ जाएगा? रूट में आ जाएगा। और 36 तो मतलब जानते ही 6 × 6। तो बीसी बराबर कितना आ गया? 6 मीटर। अतः आप लिख सकते हैं, अतः दीवार के निचले सिरे से दीवार से, अतः दीवार के आधार से, दीवार के आधार से और दीवार के आधार से और सीढ़ी के निचले सिरे तक की दूर जितनी बच्चों, दूरी आ गई बीसी बराबर 6 मीटर। ये बच्चों हमारा आंसर। चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप क्या इसको समझते हैं?
तो आप क्या बोल रहे बच्चों कि 18 मीटर ऊंचे और द्वादर एक खंभे के ऊपरी सिरे से, आपका एक खंभा बच्चों द्वादर है जिसकी ऊंचाई कितनी दी गई बच्चों 18 मीटर दी गई बच्चों, खंभे की ऊंचाई दी गई 18 मीटर। तो ए पॉइंट मानो और बी मानो, चले दिए प्रश्न अनुसार, ऐसे क्वेश्चन में दिए प्रश्न अनुसार। माना माना ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर 18 मीटर। आगे बच्चों क्या कहता प्रश्न, ऊंचाई जो है ए बी बराबर 18 मीटर। आगे प्रश्न बच्चों कहता है 18 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का सिरा जुड़ा, इसमें तार बांध रहे बच्चों ऊपरी सिरे से, तार का सिरा दूसरा सिरा एक खूंटा से जुड़ा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक खूंटा गाड़ दिया और यहाँ से तार बांध दिया, क्या किया बच्चों इस ऊपरी सिरे से हमने तार जो है खूंटे से बांध दिया है, एक खूंटे से बांध दिया, तार का दूसरा सिरे खूंटे से जुड़ा हुआ है, खंभे से आधार से खूंटे की कितनी दूरी पर गाड़ी जाए जबकि तार की लंबाई कितनी दे दी गई है 24 मीटर। अब कह रहे बच्चों कितना खूंटा हमने, ये खंभे से कितना दूर बच्चों हम तार को बांधे, खंभे से हम तार को कितना दूर बांधे कि और खूंटे कितनी दूर बांधे कि इसकी लंबाई कितनी हो जाए 24 मीटर हो जाए, कितना हो जाए बच्चों 24 मीटर। तो बच्चों ये पॉइंट हमने सी मान लिया, ठीक है। अब आपको और खंभे का आधार और खूंटे की सिरे तक की लंबाई ज्ञात करना है, तो चलिए लिख दीजिए बच्चों तार की लंबाई क्या दी गई बच्चों आपको, तार की लंबाई आपको दिया बी सी बराबर 24 मीटर और ए बी सी क्या आपका एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आपका ए क्या बच्चों 90 डिग्री, तो पाइथागोरस, तो पाइथागोरस प्रमेय से सवाल बच्चों कोई दम नहीं, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा इन दोनों भुजाओं के वर्गों का, तो ए सी का स्क्वायर क्या होगा बच्चों ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर, तो ए सी कितना आपका वो तो फाइंड करना आपको, ए बी कितना है और ए बी आपको दिया 18 का स्क्वायर और बी सी आपका 24 का स्क्वायर, बताइए बच्चों 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 और 24 का स्क्वायर क्या 24 का स्क्वायर 576 सही है, चलिए माइनस कर दीजिए इतना 576 माइनस 324 पक्षांतरण कर दिए बच्चों, तो 6 में 4 गया 2, 7 में 2 गया 5 और 5 में 3 गया 2, 252, 6 में 4 गया 2, 7 में 2 गया 5, 5 में 3 गया 2, तो बच्चों आपका आ गया 252, तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 252, मन खंड करते हैं बच्चों, तो 2 एक टोम 2, 2 दो ना 4, 2 छन 12, फिर 2 छन 12, 2 तिया 6, 3 दो ना 6, 3 एक टोम 3, 3 सत्ते 21, तो बच्चों जोड़ा तो आप कितना किसका बन रहा है 2 गुणे 2 3 गुणे 3 और 7, तो आपका 2 गुणे 3 अंडर रूट क्या है 7, तो 6 अंडर रूट 7 मीटर आया बच्चों, क्या गया और खंभे के आधार से आप खूंटे के सिरे तक की लंबाई, तो अतः खंभे के आधार और खूंटे के सिरे तक की दूरी कितना है भैया 6 अंडर रूट 7 मीटर यह आंसर।
चलो क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझे बच्चों क्या कह रहा है। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है, उसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चाल से उड़ता है, तो एक सही 1/2 घंटा अर्थात 1.5 घंटे में दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों और पिछले वर्ष कक्षा 9th में विज्ञान पढ़े निर्देश ट्रेन, निर्देश ट्रेन का मतलब क्या होता है, किसी बिंदु से किसी वस्तु किसी जगह को प्रदर्शित करना, किसी बिंदु से किसी जगह को प्रदर्शित करना। सपोज ये बिंदु है, ये एयरपोर्ट है, क्या बच्चों ये एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट से एक हवाई जहाज इधर की ओर जाएगा एक इधर की ओर जाएगा, उससे मतलब नहीं है। और डायरेक्शन देखते हैं तो आपको दिशा का ज्ञान है कि ये क्या उत्तर, ये क्या बच्चों दक्षिण, और ये क्या होगा पूरब, और ये क्या बच्चों पश्चिम। तो पूरब और पश्चिम कहा जाए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक बच्चों। तो आपका क्या जैसा क्वेश्चन कह रहा है, ये आपका एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट मतलब जहाँ से जहाज उड़ते हैं, जहाज से जहाज उड़ान भरते हैं। तो बच्चों इस एयरपोर्ट से कुछ एयरपोर्ट ही बोला ना, हवाई अड्डा बोला है, हिंदी बोला शुद्ध हवाई अड्डा। तो एक हवाई अड्डा है जो उत्तर की ओर से, एक हवाई जहाज उत्तर की ओर से ये उत्तर की ओर जाता, तो यहाँ से एक हवाई जहाज उड़ान भरता है इधर की ओर, और उसकी चाल कितनी है, तो एक हवाई जहाज उत्तर की ओर चाल कितनी है, उत्तर की ओर उसकी चाल है, उत्तर की ओर हवाई जहाज की चाल, हवाई जहाज की चाल कितनी बच्चों 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, जबकि बच्चों पश्चिम की ओर कितनी स्पीड है, पश्चिम की ओर हवाई जहाज की चाल कितनी, पश्चिम की ओर हवाई जहाज की चाल बराबर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सपोज ये 1000 चाल की स्पीड से उड़ रहा था, समय कितना लगा, समय आपको दे दिया बच्चों टी बराबर 1/2 घंटा, ठीक है। तो ये मान लो कि अब यहाँ पर हवाई जहाज आ गया 1.5 घंटे में, और ये मान लीजिए कि ये 1.5 घंटे में हवाई जहाज इधर की ओर गया, एक हवाई जहाज इधर की ओर गया, एक हवाई जहाज इधर की ओर गया, तो ये यहाँ पर बच्चों इस पॉइंट में अभी है 1.5 घंटे पश्चात, और ये इस पॉइंट में है। तो बच्चों क्या ज्ञात करना है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो ये तो आपका 90 डिग्री होगा, डायरेक्शन में चतुर्थांश जैसे मतलब नहीं बना। तो अगर ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो आज दूरियां ज्ञात करो, तो बच्चों आपको पता ना चाल बराबर क्या पढ़े, चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, ये फार्मूला जानते हैं। तो बच्चों ओ ए डिस्टेंस ज्ञात करना, दूरी दूरी ओ ए ज्ञात करना है, दूरी ओ ए ज्ञात करना है, ओ ए दूरी ज्ञात करना है कि मतलब हवाई जहाज 1.5 घंटे बाद कितनी दूरी तय की। तो दूरी बराबर क्या, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो इधर जो हवाई जहाज जा रहा था उत्तर की ओर, उसकी चाल कितनी है 1000, और समय कितना है 1/1/2 का मतलब क्या, 3/2 तो समय आपको दिया 3/2, तो 2×5=1500, ठीक है, कितना गया 500, और 500×3 कितना गया 1500 किलोमीटर। तो 1.5 घंटे में कितना दूरी चला, ये बच्चों आपका जहाज गया 1500 किलोमीटर। इसी प्रकार
और उनको वो भी चाहिए, तो इसकी चाल कितनी है? 1200। और समय कितना बच्चों? 3/2 घंटा। तो कितना है? 600। तो 36 1800। तो ये बच्चों डिस्टेंस आ गई 1800 किलोमीटर। डेढ़ घंटा में 1800 किलोमीटर दूरी तय की, डेढ़ घंटे में। अब इन दोनों के बच्चों की क्या क्या करना, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो राई बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से ओ ए बी क्या बच्चों? संपूर्ण त्रिभुज है। क्या बच्चों? संपूर्ण त्रिभुज है। तो ए बी का स्क्वायर क्या होगा? ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ओ ए है कितना? ओ ए आपका 1500 या आपका 1800। 15 इतना 225। डबल जीरो कितने जाएंगे? 4 जीरो हो जाएंगे। 18 324। डबल जीरो कितने जाएंगे? 4 जीरो हो जाएंगे। इनको जोड़ते हैं बच्चों, तो 4 5 9, 2 2 4, 3 2 5 5 9 4 सही है। 4 5 9 2 2 4 3 2 5 और कितने जीरो? 4 जीरो। तो ये बच्चों हमको मिल गया ए बी का स्क्वायर। अब हमें ए बी ज्ञात करना है बच्चों, तो यहाँ हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये रूट में आ जाए, क्या जाएगा रूट में आ जाए? 549 4 जीरो। तो बच्चों समझिए, 549 का गुणनखंड कर दीजिए किसका? 549 का। क्या 3 से कट जाएगा? देखते हैं, 3 1 कम 3 2 बच गए ना, तो 2 4 कितना होगा? कट जाएगा भाई, तीन एक कम 3 2 बच गया, 3 8 24 3 3 3 2 3 6 18 3 1 61। तो 3 × 3 3 × 3 61 कितना है? 61 से शायद वाह, 3 × 3 61 लिख देंगे। कितने जीरो? 4 जीरो। 4 जीरो कम जा सकते हैं, 100 × 100 4 जीरो तो 100 × 100 है। तो जोड़ा क्या बन गया बच्चों? 3 बार आ जाएगा, 100 बार आ जाएगा, अंडर रूट 61 आ गया। कितना यार? 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर। तो लिख सकते हैं बच्चों, अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी अतः और 1/2 घंटे में, 2 घंटे के पश्चात अतः 1.5 घंटे के पश्चात दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी आ गई बच्चों? 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर। आंसर मैच कर लीजिए, हाँ तो डायरेक्शन बनाने की पता चल जाए कि किस दिशा में हमारा जहाज उड़ान कर रहा है।